हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस, व्हाट इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है। ओके, बट बिफोर दैट मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या होगा अगर हमारी कंट्री में कोई लॉ लाना हो, कोई बहुत ही इमीडिएट इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बहुत ही अर्जेंसी पड़ जाए, कोई लॉ लाना हो, बट उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में ही ना हो, मतलब पार्लियामेंट जो है वर्क ही ना करे, वो रिसेस पे हो, तब उस केस में कोई पर्टिकुलर लॉ कैसे आएगा? सोचिए। वेल, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो हमारे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके, बट इस टॉपिक को समझने के लिए मैं कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी हेल्प से आज का ये जो हमारा टॉपिक है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर पर्टिकुलर कोई एक्ट कैसे आएगा हमारी कंट्री में, कोई लॉ लाना हो तो उसके लिए कोई एक्ट आता है, कोई एक्ट लाना हो तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले उसके लिए एक पॉलिसी आएगी, ठीक है। पॉलिसी को हम ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। उस पॉलिसी में कुछ गाइडलाइंस होंगी, और फिर जब वो पॉलिसी है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाती है तो वो बन जाता है बिल, और वो जो बिल है उस बिल को अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, फाइनली वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। ये है पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जिसके थ्रू कोई एक्ट आता है। लेकिन क्या होता अगर ये इस टाइम पे जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, वो सेशन में ही ना होती, मतलब कि वो वर्क ही ना कर रही थी, इस केस में वो एक्ट कैसे आता? तब इस क्वेश्चन का आंसर है, तब ऑर्डिनेंस पास होता, ऑर्डिनेंस आता, ठीक है। उस केस में कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कंट्री में कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई, कोई बहुत ही नीड आ गई, जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन पे नहीं है, यानी वो वर्क ही नहीं कर रही है, और हमारी कंट्री में लॉ लाना हो, तब बात आती है ऑर्डिनेंस की। ओके, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आता है। वैसे तो ये जो पार्लियामेंट है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि पार्लियामेंट को कब लॉ लाना है, उसे कब लॉ लाना है, कब नहीं लाना है, लेकिन ट्रेडिशनली कुछ सेशन है जब पार्लियामेंट वर्क करती है, दैट इज़ 3 सेशन है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ये जो बजट सेशन है वो एंड ऑफ जान से लेकर मई तक होता है, मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त तक होता है, एंड विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक होता है। बट एक रूल है, वो रूल क्या है कि इन सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं ले सकती सेशन के बीच में। ओके, अच्छा, अब क्या होगा कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो क्या होगा? यही आज का क्वेश्चन था, आज का इस वीडियो का यही मेन टॉपिक है कि, और मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा था, तो क्या होगा कि पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं हो, और उस टाइम पे कोई इमीडिएट इमरजेंसी की वजह से लॉ लाना पड़ जाए, तो उस केस में, अच्छा, मैंने जो इस केस में क्या होगा कि सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और स्टेट लेवल पे जो लॉ मेकिंग पावर होती है वो गवर्नर की होती है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की लॉ मेकिंग पावर होती है, और स्टेट लेवल पे गवर्नर की लॉ मेकिंग पावर होती है, मतलब ऐसा टाइम जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होती है, एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा
जो लॉ बनेगा बेसिकली वो एज अ ऑर्डिनेंस होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसमें मतलब जब अगर पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, पार्लियामेंट के थ्रू कोई बिल पास होता है, फाइनली प्रेसिडेंट एसेंट के बाद जब वो एक्ट बन जाता है तो वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे जो लॉ मेकिंग पावर है वो जो है एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो इस केस में वो क्या होगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, और उस ऑर्डिनेंस की एक वैलिडिटी भी होती है। वो वैलिडिटी क्या होती है, 6 मंथ की होती है एंड 6 वीक की होती है। 6 मंथ की होती है कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही पहले क्या होगा कि अगर कोई बहुत इमीडिएट इमरजेंसी पड़ गई है ना, और लॉ बनाने की उस केस में अगर सेंट्रल लेवल की बात है तो प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होगी एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास। लॉ आ तो जाएगा बट वो एज अ ऑर्डिनेंस रहेगा, ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी क्या होगी, 6 मंथ की एंड 6 वीक की। 6 मंथ की क्या होगी कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है, मतलब वो रिसेस पीरियड से, अच्छा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है वो तो हम उसे मतलब रिसेस पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, जब वो काम नहीं कर रही होती है। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो विद इन 6 मंथ ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट कर देना होगा, और जैसे ही वो प्रेजेंट होगी उसके विद इन 6 वीक, उसके बाद विद इन 6 वीक उस जो पार्लियामेंट है उसको अपना डिसीजन भी पास कर देना होगा। और अगर वो जो लॉ है, मतलब अगर डिसीजन पास हो जाता है पार्लियामेंट का, तो उस केस में वो बन जाएगा, वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा एक्ट। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे पास नहीं करती है, उसे अपना एसेंट नहीं देती है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्डिनेंस है वो डिसमिस हो जाएगा। तो आई होप आपको आपके जो क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर भी मिल गया होगा, और हमारे आज का टॉपिक का आज के हमारे टॉपिक को के बारे में आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।